Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था, क्योंकि मुझे वो डोगेश के जो भी है तो सारे जो मीम चैनल्स पे आ रहे हैं तो वो मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छे लग रहे हैं उनके स्टोरी. सो टुडे वी आर हियर विद वन ऑफ द वीडियोज. मतलब पहले आप ये देखने जा रहे हैं डोगेश डोगेलीना और जिन फनी चीम्स डैंक मीम्स. तो मतलब थोड़े डैंक और डोगेश, मतलब ये वीडियो है डोगेश की दुनिया के चैनल से. और इसके बाद भी हम देखने जाएंगे दूसरा है, तो दो दो हम एक साथ ही देखने जा रहे हैं. सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते. एक बार डोगेश अपनी पत्नी डोगेलीना के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तभी डोगेश ने एक जोरदार शॉट मारा जिससे बॉल सामने वाले घर में चली गई. वो घर काफी समय से खाली पड़ा था, तो उन दोनों ने सोचा क्यों ना घर में घुस के बॉल निकाल ली जाए. जैसे ही दोनों घर में घुसे, उन्होंने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और वहाँ एक कांच की बोतल टूटी पड़ी है. डोगेश समझ गया कि ये कांच की बोतल उसकी गेंद से टूटी है, तो डोगेश और डोगेलीना उस आदमी के पास माफी मांगने गए. डोगेश बोला, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से आपकी ये कांच की बोतल टूट गई. इतने में वो आदमी बोला, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि मैं एक जिन हूँ जो हजारों सालों से इस बोतल में कैद था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया. लेकिन तुमने मुझे गलती से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तीन इच्छाएं पूरी नहीं करूँगा, तुम दोनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा और तीसरी इच्छा तुम लोग मेरी पूरी करोगे. डोगेश और डोगेलीना खुशी से पागल हो गए. तभी डोगेश बोला, मेरी इच्छा है कि मुझे हर महीने बिना कमाए 1 करोड़ रुपए मिल जाए. तो जिन ने मंत्र बोला शू 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 और कहा कि अब से हर महीने तुम्हारे घर में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे. अब डोगेलीना की बारी थी इच्छा मांगने की. वो बोली, हमारा हर देश में बहुत बड़े बड़े घर हो. फिर से जिन ने मंत्र बोला शू 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 और कहा, कल तक तुम्हारे पास सारे घरों के कागज आ जाएंगे. अब बारी जिनकी थी इच्छा मांगने की. वो बोला, मैं कई हजार सालों से इस बोतल में बंद था, इसलिए मैंने कई हजार सालों से नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ. डोगेलीना हैरान हो गई, उसने डोगेश की तरफ देखा और पूछा, अब क्या करे? डोगेश बोला, जिनकी वजह से हमें 1 करोड़ रुपए मिल गए, हर देश में बंगला मिल गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम जिन के साथ करो तो. ये सब सुन के डोगेलीना जिन के साथ के लिए तैयार हो जाती है. जिन 6 घंटे तक डोगेलीना की ताबड़तोड़ पढ़ाई करता है. उसके बाद जिन डोगेलीना से पूछता है, तुम दोनों कितने साल के हो? डोगेलीना शर्माते हुए कहती है, मैं 25 साल की हूँ और मेरे पति डोगेश 26 साल के हैं. इतने में जिन हंसते हुए कहता है, इतने बड़े हो गए, अब तक भूत और जिनों में विश्वास रखते हो? समझ गए ना कि क्या कौन है. बिना किसी बात के मजे ले गए ये. हाँ इसीलिए दैट इज व्हाई टुडे मतलब मुझे देखना था यार, सच में मुझे देखना था कि मतलब अभी क्या होने, मतलब सब लोग इतना मीम्स बना रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ठीक है भैया मतलब आज देख लिया जाए. तो हम अभी आज दूसरा भी वीकेंड से वीडियो देखने जा रहे हैं बाय एस्ट्रोनॉट डोगे. तो उनका उनके चैनल से हाउस कॉल तान सेन चीम्स डोगे मीम्स एंड मीम वीडियो. तो देखेंगे चलो ये वीडियो कैसा होता है ना. सो लेट्स स्टार्ट. ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है. हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. कृपया इसे दिल पे ना ले और एस्ट्रोनॉट डोगे को सपोर्ट करें. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए. आइए आइए तानसेन जी, इनसे मिलिए. ये है हमारी नई बेगम और बेगम साहिबा. ये है गांडसेन जी, मेरा मतलब है तानसेन जी, हमारे राज्य के सबसे बेहतरीन गायक. अच्छा। है नमस्ते तानसेन जी. हाय बेगम साहिबा. ठीक है तानसेन जी, अब हम चलते हैं, हमें जरूरी काम है. अरे ये बादशाह की नई बेगम तो कितनी होट है, मुझे तो कैसे भी करके इसकी गुलाम भी लेनी है. क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, जल्दी से बीरबल जी के पास जाके मदद मांगता हूँ. हुई 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 कुछ क्षण बाद
आइए आइए गानसेन जी, मेरा मतलब तानसेन जी, आज मुझे कैसे याद किया? अरे बीरबल जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, प्लीज मना मत करना। अरे पर क्या मदद चाहिए आपको? बीरबल जी, जब से मैंने नई बेगम साहिबा को देखा है तब से मेरा बैठा ही नहीं जा रहा है दिल। आप कुछ भी करके मुझे उसकी गुलामी दिलवा दीजिए। मैं तुझे दलाल दिखता हूँ, बादशाह को पता चला तो हम दोनों की गांड में सलिया डाल देंगे। भाई प्लीज ऐसा मत करो, मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 1 करोड़ सोने की मोहरें दूंगा। 1 करोड़ सोने की मोहरें? बाद में पलट मत जाना, कल सुबह तक तेरा काम हो जाएगा। अब इस बाज की मदद करने के लिए मेरे पास मस्त आइडिया है। अगली सुबह भारत देश की चमोदने वाले महाराणा प्रताप का नाम सुन के चड्डी में हगने वाले मोहम्मद उद्दीन, मेरा मतलब है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पढ़ा रहे हैं। ये मतलब अच्छा रहेगा। क्या हुआ जहां अपना? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? किसने मार लिया आपकी? मेरा मतलब है क्या मुसीबत है आपको? तुहार माई के बुरचोदू बीरबल, आज सुबह से मेरी नई बेगम को पूरे शरीर पे खुजली हो रही है। कोई बहन उनके कपड़ों पे खुजली का पाउडर डाल के भाग गया है और आज सुबह से ये का हकीम भी नजर नहीं आ रहा है। अरे जहां अपना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे इस बीमारी का हल पता है। अरे कब का, मेरी बातें क्या सुन रहा है, जल्दी बोल। जहां अपना, इस बीमारी का एक ही हल है, मनुष्य के जिस भी अंग पे खुजली हो रही हो उस अंग को राज्य के सबसे बेहतरीन गायक के पास से चटवाना पड़ेगा, तभी ये खुजली दूर होगी। बीरबल, मैं कोई गांव से आया हूं क्या? मैं सच कह रहा हूँ जहां अपना, अगर जल्दी ये काम नहीं किया तो बेगम मर जाएगी। अरे तुहार माई के बुर, कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो सच ही होगा। जल्दी से तानसेन जी, आप मेरी नई बेगम के कमरे में चले जाइए और उन्हें ठीक कर दीजिए, जो हुक्म जहां अपना। अरे बीरबल, में भी दोबारा नहा के आता हूँ, कहीं मुझे भी ये खुजली ना हो जाए। जी जहां अपना, बहुत बुरा हुआ। खी कुछ क्षण बाद, अरे बीरबल जी, आज तो मजे ही आ गए, पहली बार गुलामी का स्वाद चखा, तो अब लाओ मेरे 1 करोड़ सोने की मोहरें। 1 करोड़ सोने मोहरें? अरे तानसेन जी, अब मजाक मत कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी दे दीजिए। कौन सी मोहरें बीरबल जी, कैसी मोहरें? ये आप कौन से मोहरें की बात कर रहे हो? अरे तेरी माँ का साथी नाता, चुटिये तानसेन, मुझे पता ही था कि तू ये अपनी चुतियागिरी करेगा, इसलिए जब बादशाह दोबारा नहाने गया तब मैंने उसके अंडरवियर में भी ये पाउडर डाल दिया था। सलाम तानसेन जी, आपको जहां अपना ने पहली फुर्सत में बुलाया है। सैल्यूट मैम, मतलब कहां से तुम लोग ये स्टोरी वोरी सब कुछ लाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम बढ़िया थी, मजा आया। मैं सिर्फ इतनी बात कहती हूँ कि मजा आया सच में यार। मतलब किसको मतलब पता था कि तानसेन मतलब धोखा देकर ऐसा करेगा, मतलब बीरबल की क्या दिमाग है। एंड ऑल्सो लाइक स्टार्टिंग में वो जो जिन वाह, यू टैलेंटेड पीपल, मैं बस ये करना चाहती हूँ यार, मतलब डोगेश की दुनिया और एस्ट्रोनॉट डोगे, यू बोथ आर वेरी टैलेंटेड पीपल, और आपके और एक्चुअली उनके लाइक व्हाट वी कैन से चैनल में बहुत सारे ऐसे मतलब वाले वीडियोज है, थोड़े शॉर्ट भी है, मतलब जाकर देखो यार, बहुत मजा आएगा आपको, आई स्वेर। मतलब ये मतलब आजकल का ये व्हाट वी कैन से मेरा फेवरेट बन चुका है, डोगेश के मीम्स, डोगे के मीम है ना, तो मतलब मजा आया, मैं कुछ भी बोलूँ मजा आया। तो दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे
और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।